चिंता की कोई बात नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। बस अब आप अपना ख्याल रखिए, इनकी जिम्मेदारी अब आप पर ही है। जिंदा रही तो ऐसी बातें नहीं करते बड़ी दीदी, वरना तू तो सब जानती है ना। जब ये थे तो चार पैसे घर में आ रहे थे, फिर बीमारी इनको ले गई। अब तो हम भी पड़ोसियों की दया पे पल रहे हैं और पता नहीं कब तक चलेगा ये सब। आपने कुछ काम करने के बारे में सोचा है? किस काम के लायक हूँ मैं स्नेहा जी? बचपन से लेकर अब तक मुझे सिर्फ यही सिखाया गया, रुगाई कैसे बनना और फिर माँ। मैंने कोई और जीवन देखा ही नहीं। स्नेहा दी, इनके लिए हम मानवता में कुछ कर सकते हैं? हाँ, मैं भी यही सोच रही थी, कुछ तो करना ही होगा। क्या आप कुछ काम करना चाहेंगी? हाँ, कोई भी इज्जत का काम होगा तो मैं करूंगी। आप जो कहेंगे मैं करूंगी। इज्जत का मतलब? ये बात किसी के जुबान पर नहीं आती, पर ये मर्द भी ना विधवा को गांव की लुगाई समझते। क्या बात हुई दी, बताओ। अभी इनकी चिता भी ठंडी नहीं हुई थी और रात को दो मर्द कौन थे वो लोग? आप हमें बताइए, हम उन्हें कानून के हवाले कर देंगे। देखिए, मैंने जैसे तैसे करके मुसीबत डाल दी, मुझे किसी से कोई बदला नहीं लेना। मुझे बस अपने बच्चों की खुराक चाहते हैं। आप फिक्र मत कीजिए, और आपका परिवार हमारी जिम्मेदारी। Thank you.
स्नेहा दी, ये प्रकाश जी हैं। नमस्ते। और ये इनकी पत्नी सरोज। नमस्ते। नमस्ते। आप क्या करते हैं प्रकाश जी? जी, करता था प्राइवेट की नौकरी, बीमारी में ड्यूटी पर जा ना सका और नौकरी हाथ से जाती रही। मुझे माफ करिएगा, मुझे पता नहीं था। कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ। घर देखकर तो सबको यही लगे, यहाँ खाते पीते लोग रहते हैं। ऐसा था भी, पर ये बीमारी आने से पहले। स्नेहा जी, हम लोग गरीबी से उभरे हैं, इनकी नौकरी मिलने के बाद हमारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा सपना सच हुआ, हमारा अपना घर, हमारी और हमारे बच्चों की अपनी दुनिया। आज तो हम अपने ही घर में 4 दिनों के मेहमान हैं। पर ऐसा कैसे हो गया? घर हमने कर्जा लेकर बनाया और उस कर्जे को चुकाने के लिए इनकी तनख्वाह काफी थी, लेकिन फिर इनकी बीमारी और उस कर्जे को चुकाने के लिए हमें और कर्जा लेना पड़ा, सब कुछ गिरवी रखना पड़ा, घर, जेवर, यहां तक कि घर के पीतल के बर्तन भी। रकम भी हजारों में ही है, हमने मजबूरी में अपना सब कुछ गिरवी रख दिया। वो कौन? दिगंबर। उसने हमसे कहा कि 5 साल तक तुम फिक्र नहीं करो, लेकिन अब कहता है कि सूद समय सारा पैसा वापस कर दो, वरना हमारा सब कुछ जब्त कर लेगा। हमें सड़क पर लाकर खड़ा कर देगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमने उसकी ईमानदारी पे भरोसा करके खुद को कौड़ियों के दामों में बेच दिया। नहीं प्रकाश जी, हम ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। क्या आपके पास वो कर्जे के कागजात हैं? जी। क्या आप वो मुझे दिखा सकते हैं? अभी इनकी चिता भी ठंडी नहीं हुई थी और रात को 2 मर्द सूद समेत सारा पैसा वापस कर दो, वरना हमारा सब कुछ जब्त कर लेगा। हमें सड़क पर लाकर खड़ा कर देगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमने उसकी ईमानदारी पे भरोसा करके खुद को कौड़ियों के दामों में बेच। कैसे लोग हैं ये जो दूसरों की मजबूरी को अपना व्यापार बना लेते हैं, खुद तो कुछ बना नहीं सके, दूसरों की बनी बनाई चीजों को जब्त करते हैं। ये तो रोज की बात है, मामूली है, क्या कहते हैं, नॉर्मल। क्यों है ऐसा? हम कुछ करते क्यों नहीं? तुम्हें गुस्सा नहीं आता पन्ना? ये तो आप किसी भी गरीब से पूछ सकते हैं दीदी।
खाली पेट किसी को गुस्सा आ ही नहीं सकता। उस बेचारे के लिए तो भीख मांगना सबसे बड़ी हिम्मत का काम होता है। तुम ऐसा सोचती हो? हाथ फैलाने से पहले अपने अंदर के इंसान को कुचलना पड़ता है इसने आदि। स्नेहादी, अगर आप ही ऐसे रो पड़ेंगे तो फिर दूसरों का क्या होगा? हेलो, तुम कैसी हो? हाँ, मैं स्नेहादी के साथ कार में हूँ। मैं अपनी साइकिल के साथ अकेला हूँ, उसी जगह जहाँ हम मिले थे। हाँ, मैं भी फोन रखती हूँ। नहीं नहीं, एक मिनट। जल्दी, मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया है कि जो चीज़ मैं तुम्हारे लिए बना रहा हूँ उसे बनाने में मुझे बहुत मजा आ रहा है। अब तुम फोन रख सकती हो। थैंक यू। मजाक है ये? आपके आने के अंदाज पे दिल से है सदा आई। आप तो आ गए अंदर मगर शर्म ना आई। बकवास सुनने नहीं आया हूं तुम्हारी यहाँ पे मैं। अरे तो हम सुन लेते हैं भाई आपके बकवास, बैठिए तो सही। मधोक, खेलो मत मेरे साथ, बहुत महंगा पड़ेगा। आवाज नीचे रखिए बाबा पहलवान, कान हमारे एकदम सुडौल हैं, आपके दिल की धड़कनें तक सुन सकते हैं। तो मेरे तीन आदमी अंदर क्यों हैं? आप उनकी जगह ले लीजिए, अभी छोड़ देते हैं। देखो, मैं उनकी जमानत देने को तैयार हूँ। जमानत तो अदालत से होगी बाबा पहलवान, और इस केस में अभी तक FIR भी दर्ज नहीं हुई है। तो फिर आपने मेरे बंदे क्यों अंदर कर रखे है? ये तो गैर कानूनी हरकत हुई ना। हरगिज नहीं। अरे भाई, कल उनकी आइडेंटिफिकेशन परेड है, और इस बीच अगर वो 9-2-11 हो गए तो इसलिए कानून हमें हक देता है उनकी हिफाजत करने का। ये आइडेंटिफिकेशन परेड बाबा पहलवान, कि कुछ मुजरिम ऐसे होते हैं जिन्हें चेहरे से पहचानना पड़ता है, पर आपका क्या? आपको कौन नहीं पहचानता है? उन्हें छोड़ दो, सारी बदतमीजी माफ कर दूंगा। बिल्कुल हो जाएगा, बशर्ते कि आप कानून की मदद करें। कैसे? आप उन्हें पहचान लें और एक स्टेटमेंट दे दें कि तुम्हारे वो छोरे ही मुझे रहे हैं, और सरकारी गवाह बनने पर राजी हो गए। कल सुबह अदालत खुलते ही जमानत। मधोक, देख लूंगा मैं तुम्हें। फिलहाल आंखें घर छोड़कर आए हैं क्या? अरे भाई, मैं सामने बैठा हूँ आपके, दिख नहीं रहा हूँ क्या? मधोक, जिस दिन मेरी तीसरी आंख खुल गई ना, उस दिन समझ में आएगा तुम्हें कि बाबा पहलवान कौन सी नजर से दिखेगा। बाबा पहलवान, कभी सोचा है आपने कि तीन आंखों वाला चश्मा आपके चेहरे पर कैसे दिखेगा? डॉक्टर स्नेहा माथुर, कैसी हैं आप? और ए लड़के, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम प्रकाश जी के कर्जे के सारे पैसे सूद समेत मैं आपको लौटाऊंगा, और आप
उनके घर, जमीन के कागजात, उनके जेवर मुझे लौटा दें। ये रहा जी। डॉक्टर साहब, ऐसे कैसे हो सकता? आपको तो रकम से मतलब है ना? देखिए मैडम, पहले कुछ कागजी कार्रवाई पूरी करनी होती है। जिसने कर्जा लिया है उसको यहाँ आना पड़ता है और फिर इन कागजों पे दस्तखत करने होते हैं, समझी? समझी। ये लीजिए पावर ऑफ अटर्नी, जो दस्तखत करने हैं, जहां करने हैं मैं कर लूंगी। अच्छा मैडम, क्या हम जान सकता हूं कि एक डॉक्टर के पास इतने सारे पैसे कहां से आए? कहीं कोई और धंधा करती है क्या? सवाल संभाल कर बात करो। पन्ना, गरज हमारी। वैसे देखा जाए तो गरज हमारी भी। सीधी सी बात है, आप हमारी गरज पूरी कर दो, हम आपकी पूरी कर देते हैं। कहना क्या चाहते हैं? मैडम, आप हमसे हाथ मिला दो, बहुत फायदेमंद होगी आप। कैसा फायदा? अंदर भी एक कमरा है, चलो वहां चलते हैं, बैठ के बातें करते हैं। समझ रही हो ना? देखो, सौदा करना है तो करो, वरना हमारा वक्त बर्बाद हो, समझे कि नहीं? अरे मैडम, सीधी से लेन देन की बात है, एक हाथ दो और दूसरे हाथ लो। अब आप इतने भी नादान तो नहीं हो, इस बात को समझती हैं? अरे मैडम, हम गांव वाले हैं, अलग नहीं है, इशारे हम भी समझते हैं, यूं ही नहीं है आई आप यहाँ। दिगंबर, अगर मैं चाहूं तो तुम्हें एक चांटा मारकर तुम्हारी इस बदतमीजी का जवाब अभी यही दे सकती। और जरा सोचो, जब गांव वालों को तुम्हारी असलियत पता चलेगी तब क्या हो? क्यों पन्ना, हो गई ना रिकॉर्डिंग? माफ करना अगर तस्वीर थोड़ी हिलडुल गई हो तो, पर बाकी सब कुछ है इसमें। नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता कि दिगंबर जी को इस बात का कोई बुरा लगेगा। दिखाओ सर। अरे मैडम, सीधी से लेन देन की बात है, एक हाथ दो और दूसरे हाथ लो। हाँ तो क्या कह रहे थे तुम? लेन देन, ये लो अपना चेक और प्रकाश जी की जमीन के कागजात, जेवर, सब कुछ अभी इसी वक्त मुझे लौटा दो। जी, जो आप कहिए। सारी बातचीत इस फोन में है। पन्ना, अगर तुमने कोई गड़बड़ करने की कोशिश की ना तो तुम्हारी सारी पोल खुल जाएगी, बर्बाद हो जाओ। आज की कहानी हमें एक बात सोचने पर मजबूर करती है। जब एक औरत विधवा होती है तो वो सिर्फ अपने पति को नहीं खोती, साथ ही घर की आमदनी, उसकी और उसके बच्चों की सुरक्षा, मानो उनका भविष्य ही छिन जाता है। संकट में लोगों को भाषण की नहीं बल्कि सहानुभूति, सहायता और सहारे की जरूरत होती है। हर व्यक्ति और समाज का ये फर्ज बनता है कि इस नाजुक घड़ी में वो अपनी इंसानियत और सामाजिक जिम्मेदारी पर डटे रहें। जिन लोगों ने अपनों को खोया है या अपना कुछ खोया है, उनकी मदद करें, उनके जख्मों पर मरहम लगाएं, उनके आंसुओं को पोंछें। बुझने नहीं है देना, बस दिए जलाना है। अंधेरे से क्या डरना, बस लौ जगाना है। आंधी हो या तूफान, बस लड़ना है। हम जब साथ हों हर जंग में जीत भर सकते हैं। हम जब साथ हों हम
कुछ भी कर सकते हैं। देखते रहिए, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। Thank you.